चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू अ मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक्स बैक होम विद अ स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम 0 टू 40 मिनट इज इक्वल टू। एवरेज स्पीड क्या होगी ये निकालना है, ठीक है? क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं जहां से ये चलना शुरू कर रहा है, ये होम है उसका घर, ठीक है? और वो गया मार्केट, ये मार्केट है, ठीक है? अब यहां पर पहुंचा किस स्पीड से ये ट्रेवल किया, मान लो वी वन इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर और ये डिस्टेंस कितनी है 2.5 किलोमीटर, तो ये टाइम है टी वन, करेक्ट है, सॉरी डिस्टेंस है, इसको एक्स कंसिडर कर देते हैं, एक्स एक्स इज इक्वल टू, ठीक है? तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड है वी वन, डिस्टेंस कितनी है 2.5 किलोमीटर डिवाइड बाय वी वन की वैल्यू कितनी हो गई 5 किलोमीटर पर आवर, करेक्ट है? तो टी वन कितना हो गया 1/2 आर, 1/2 आर का मतलब 30 मिनट, 30 मिनट यानी घर से मार्केट ये पहुंचा 30 मिनट में, तो टी वन हो गया 30 मिनट, करेक्ट है? टी वन हो गया 30 मिनट। अब यहां से वो वापस लौटा किस स्पीड से, 7.5 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, वी टू है 7.5 किलोमीटर पर आर, ठीक है? तो अब मुझे ये बताओ कि 10 मिनट तो उसको ट्रेवल और किया उसने, क्योंकि 40 मिनट है, 30 मिनट यहां पहुंचने में लग गया, 10 मिनट और ट्रेवल करेगा यहां से, तो एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस 10 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा वो निकाल लें, तो एस टू इज इक्वल टू वी टू टी टू, ठीक है? वी टू की स्पीड कितनी है, वी टू की वैल्यू कितनी है 7.5, टी टू 10 मिनट, 10 मिनट एक्स्ट्रा, 10 मिनट, 10 मिनट में और कितना चाहिए, 10 मिनट को क्या लिख सकते हैं 1/6 आर लिख सकते हैं, 10 मिनट को 1/6 आर लिख सकते हैं ना, तो इसको 7.5/6 कितना होगा, ये 1. कितना होगा 2.5 किलोमीटर आएगा एस टू, करेक्ट है? तो एवरेज स्पीड दिस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना एस वन कितना 2.5 प्लस 1.25 डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना होगा 40 मिनट में निकाला है ना, तो 40 मिनट को आर में कन्वर्ट कर लें, 40 मिनट डिवाइड बाई 60 आर हो गया, ठीक है? ये कितना होगा न्यूमरेटर में 3.75 होगा डिवाइडेड बाई 0 से 0 कटा 2/3, 2/3 3 ऊपर जाएगा, 3 को ऊपर भेज देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करें 11.25 by 2 बी एवरेज की वैल्यू 11.25 by 2, 11/2 आ तो नहीं रहा, इसमें थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा और कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आएगा 22.5 by 4 आएगा, 22.5 by 4 नहीं आ रहा है, नहीं 2 से एक और मल्टीप्लाई करें वी एवरेज, देख लो एक बार मल्टीप्लाई करके इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करें 11.25 डिवाइड बाई 2 है, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये तो 8 हो जाएगा, ये कितना होगा वाला वी एवरेज, देखो 4 से मल्टीप्लाई करें 520, 0 to 8, 8 to 10, 10 वन आया, 4, 5 फिर 4.45 डिवाइडेड बाई ये 8, 45 by 8 एवरेज किलोमीटर पर आर, 45 by 8 ये ऑप्शन सही है, फोर्थ वाला 45 by 8 किलोमीटर पर आर सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।